अब हम देखेंगे वाह रे हमदर्द, घनश्याम अग्रवाल की रचना है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है, पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंगात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी ही स्थिति का चित्रण किया है, और कभी कभी हमदर्दी भी रोगों की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। तो हम देखेंगे अभी स्टोरी। जब उस दिन रात मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार जो है आती मुझे नज़र आ गई। अब उसमें क्या हो गया कि साइकिल पर आते आते वह कार जो है वो टकरा गई और एक्सीडेंट जो है यहाँ पर मेरा हो गया। इसके स्वरूप जो है मेरी जो टांग जो है टूट गई। अब दुर्घटना के बाद भी इंसानियत कायम है यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े और उन्होंने मुझे संभाला। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। मैंने देखा मेरे चारों ओर कुछ लोग खड़े हैं और मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो लोगों ने जवाब दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। यह चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता था, लगता है मेरे होश आने तक यह इसीलिए रुका था ताकि मैं उसे बता सकूं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी हुई थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपक जाए तो समझो परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो मैं इसी विचार में बैठा हुआ था। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को कुछ खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड में यह तो एक खुला निमंत्रण है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, आप जी चाहे आओ, चाहे जितने देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, हमदर्दी मतलब यहाँ पर सहानुभूति। मिलने वाले को ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी टांग, दूसरी भी टांग जो है टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और वे कब अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, फॉर्मेलिटीज़। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मैं मिलने आया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब मैं आँख नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? तो इस तरह से भी लोग आते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज मेरी कोई दुर्घटना होगी।
आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे अपन चिड़ियाघर में बच्चों को दिखा रहे, ये देखो बंदर, इस तरह से दिखाया उन्होंने। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप 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 की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटकी हुई रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने इसके पहले कि उसे मना करता सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी जो है पटक दी। सोनाबाई ने एक लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इससे दो घंटों बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय मुझे क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने मेरा उसे रिश्तेदार समझकर, करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं तो सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहे झोले में से डायरी निकाल ली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़े मुश्किल से उन्हें विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले लोग। तो इस तरह से इस निबंध में हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी होती है, बन जाती है, यह बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। इस तरह से घनश्याम अग्रवाल जी की ये रचना आपको अच्छी लगी होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, और वाकई ही अस्पताल में जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों का थोड़ा सा अलग किस्सा होता है, परेशानियाँ होती है, थोड़ा अपने को मरीज़ का भी रखते हुए हमें उनसे मिलने जाना चाहिए।